नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टडी लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आप सबके लिए एक सुनहरा अवसर है। अब आप सभी अपने मैथ्स और रीजनिंग के तमाम डाउट समाधान भेज सकते हैं, हम उसे सॉल्व करने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो चलिए आज के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर तीन डिब्बे दिए हुए हैं वर्ग के आकार के। तो चलिए हम इसे समझते हैं कि यहाँ पर अंक कैसे लिखे गए हैं। यहाँ पर है 8, 6, 2, 96, 15, 2, 2, 60, 5, 6, 120 और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर दिए हुए हैं तीसरे वाले में ये वाला डिब्बा जो है वो खाली है। यहीं पर हमें पता लगाना है कि क्या आएगा। तो पहले वाले को हम देखते हैं कैसे दिया गया है। पहला वाला 8, यहाँ पर 96 दिया गया है और यहाँ पर संख्याएँ जो है वो छोटी है। तो सामान्य सी बात है कि जोड़ने या घटाने से तो इतना बड़ा नहीं आएगा, अवश्य गुना ही हुआ होगा। तो हम एक काम करते हैं, 8 का गुना हम 6 से कर देते हैं। यहाँ पर पहला वाला जो डिब्बा दिया गया है यहाँ पर है 8, तो हम 8 लिख लेते हैं, गुना यहाँ पर है क्या 6, 6 कर देते हैं। तो 8 × 6 × 2 करते हैं कितना आता है, तो 8 × 6 = 48 48 हुआ। 48 × 2 कितना आएगा, 8 × 2 = 16 का 6 हासिल आया 1, 4 × 2 = 8 और 1 = 9। 96 है यहाँ पे, जी हाँ 96 है। तो यहाँ पर जो अंक दिए गए हैं इन तीनों का क्या हुआ है, गुना हुआ है। ये देखिए हुआ, 8 × 6 किए तो 48 आया, 48 × 2 किए हैं तो कितना आया 96। इसी प्रकार से हम इधर भी कर लेते हैं, क्या करेंगे, यहाँ पे 15 दिए गए हैं सबसे पहले, तो 15 × यहाँ पर है 2, फिर 2 क्या हो जाएगा, 15 × 2 = 30, 30 × 2 = 60 है यहाँ पे 7। ये देखिए 15 × 2 = 30, 30 × 2 = 60। अब यहाँ पर जो पहला वाला जो अंक दिया गया था वही नहीं दिया गया है, लास्ट में जो आ रहा था वो दिया गया है। अब इसे कैसे निकालेंगे हम, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है उसको हम एक समान लेते हैं। ये हो गया एक्स, गुना कितना करेंगे 5 × 6 = यहाँ पे कितना दिया गया है 120। अब यहाँ पे हम गुना कर देते हैं, क्या हो जाएगा 6 × 5 = 30, 1 × 30 = 120। यहाँ पर देखिए ये वाला अंक नहीं दिया गया है, तो ये वाला अंक ही हमें पता करना है। जैसे यहाँ पे 8 दिया गया था, 8 × 6 × 2 किए तो 96 आया, 15 × 2 × 2 किए तो 60 आया। वैसे यहाँ पर का हमें अंक पता लगाना है, इन तीनों का गुना करेंगे तो 120 आना चाहिए। तो इसका और इसका गुना पता है हमें कि 6 × 5 कितना हो गया 30। अब ये देखिए ये इधर इसके साथ गुना में है, उधर ले जाएंगे तो भाग बन जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 120/30। अब यहाँ से 10, यहाँ से 10, 3 × 3 = 12, तो x बराबर क्या आया 4। तो यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा। अब करके देख लेते हैं हम, 4 वाले में ही करके देखते हैं, 4 × 5 × 6 तो कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20, 20 × 6 = 120। यहाँ पर दिया गया है 120, मतलब एक से बराबर आया 4, तो इस डिब्बे में क्या आएगा 4, जो कि हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऐसे ही आपको विलुप्त अंक वाले प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करना है। थैंक यू।